बुला ना। इसी करे ने उसका तबीयत ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है दोस्तों, और बोले कि जा लेके जाइए बिहार। गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया दोस्तों, और कल दवाई भी दिला के लाए थे, उससे भी कुछ मतलब नहीं हुआ है दोस्तों। तो उससे खाली थोड़ा सा नाक में हुआ है, थोड़ा अच्छा गला सब लगता है, इतना खराब हो गया, कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा, बोल ही नहीं पा रही है, रो नहीं रही अच्छे से, देख सकते आप अच्छे से है, सब कर रही है। हाँ। देखिए सही में अंदर से इसका मतलब अंदर जो सांस है ना दोस्तों, यहाँ पर मतलब इसमें कफ जमा हुआ है, इसका आवाज नहीं निकल रहा दोस्तों, में गौर कर रहे हैं इसको, आवाज नहीं निकल रहा दोस्तों, तो इसको लगता है ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अब जा रहे हैं दूसरे डॉक्टर के जाएंगे तभी ना वो जा रहे हैं दूसरे डॉक्टर के पास, दवाई से कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर भी नहीं बैठे हैं, ऑक्सीजन का भी सुविधा नहीं, कल जहाँ गए थे, हाँ कल जहाँ गया था ना दोस्तों, वहाँ पे खाली दवाई लिखता है, ऑक्सीजन का सुविधा नहीं है, तो अब जा रहे हैं। वो भी डॉक्टर अच्छा ही दवाई देते थे डॉक्टर, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बाबू का मुँह ही से दवाई लाते थे, अब हो सकता है हमें बिहार जाना पड़ेगा दोस्तों, जहाँ से हम अपना इलाज करवाते थे, आप सभी को पता ही होगा। हाँ। जो लोग पहले हमारे सब्सक्राइबर, जिन लोग को नहीं पता हमारे अभी आने सब्सक्राइबर को, नमाज देख लेंगे दोस्तों, और हमारा जरूरी ही जरूरी है, अभी जस्ट हम लोग तेल उल मतलब पहले देखिए बोरसी लगा है इधर, और बाबू को थोड़ा धूप भी निकल जाएगा दोस्तों, इसलिए रुके हुए क्योंकि बच्चा ठंडा, क्योंकि गाड़ी से जाना पड़ेगा ना दोस्तों, इसलिए इंतजार कर रहे थोड़ा सा, 10 बजे कम से कम निकले क्योंकि 11 बजे डॉक्टर आती ही है, भाप लगाना ही पड़ेगा, ऐसे कोई उपाय नहीं है बिना भाप के, गला साफ नहीं, क्या मतलब जो के साथ ऑक्सीजन देता हाथ उसमें, वो नहीं था, खाली नाक में नहीं जो भाप जैसा लगता है वो लगेगा ऑक्सीजन, अभी ठीक होगा। हाँ, इसके गला साफ नहीं हो रहा, कुछ बोल नहीं पा रही, देख रहे दोस्तों कैसे एकदम बोल नहीं पा रही, कुछ हम करें अकेले, हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दोस्तों देखिए, मेरा बेबी का तबीयत खराब है, मतलब ज्यादा ही, मतलब कि सही नहीं लग रहा इसका, बहुत ज्यादा ही दोस्तों, अच्छा से रो नहीं रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है, हम लोगों को डर लग रहा है दोस्तों, हम लोग अकेले क्या करें यहाँ पर, तो पहले हमने तो पहले बोले थे कि जाएंगे बिहार से जब डॉक्टर के पास, पर पहले सोचे कि यहाँ पर सुई लिखे थे एक ना, तो पहले वही मतलब डॉक्टर तो नहीं बैठेंगे, पर उनके जो कंप्यूटर रहेंगे उन्हीं से जाके पहले सलाह लेते हैं दोस्तों, वो क्या बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन बोलेंगे तो ऑक्सीजन लगवा देंगे, अगर सुई बोलेंगे तो सुई लगवा देंगे दोस्तों, पहले पर चलते हैं इसको दिखाने के लिए, क्योंकि अच्छे से बोल नहीं रही, रो नहीं रही दोस्तों, हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत अंदर से एकदम धक 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 एकदम लग रहा है दोस्तों, अभी 10-11 बज गया दोस्तों, अभी हम सुबह उठकर कुछ काम नहीं किए, कुछ नहीं किए, अली बाबू को बस तेल मालिश की है, और अंजलि इधर सारा काम कर रही है, तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास, आ गए हैं, और बाबू को देख सकते हैं आप लोग, हाथ में जाना पड़ रहा है, यही जो डॉक्टर के पास आए थे, हटाओ नहीं, पकड़ ले ना कस के, बेटा थोड़ा टोपी का सही से करो ना, यदि टोपी सही से करो, पूरा हटाओ, रही और वो काले लगी बुलाओ ना, और इसी करें ना जे ठीक है, तो उसको लेते थे थोड़ा देर बेटा, हाँ थोड़ा देर ही ऐसी करते थोड़ा सा, थोड़ा देर। तो दोस्तों देखिए, हम सब घर आ चुके हैं, और देखिए मेरे बेबी को मतलब सुई पड़ा है, और सुई दिया और इंजेक्ट ऑक्सीजन भी लगा दोस्तों, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे, और सुई पड़ रहा था उस समय आपको नहीं दिखा है ना, और सुबह शाम मतलब सुई पड़ेगा, अभी भी शाम को भी जाना पड़ेगा दोस्तों, डॉक्टर के पास बुलाए हैं, 6 बजे तक रहा, अभी तो बहुत कम ही टाइम हो रहा है, 6-7 अभी तो 10 ही बज रहा है, तो अभी सुई पड़ा ऑक्सीजन पड़ा, फिर शाम में ही बोले कि सुई ऑक्सीजन पड़ेगा, इससे जो किसी का गला का है ना जो कम जाएगा, बोलेगी अच्छे से नहीं हुई, तो देख रहे हैं सुस्त पड़ी हुई दोस्तों, कुछ हंसी खेलने रही है दोस्तों, बेटा
और ये आदित का भी दोस्तों अच्छे इसको भी सर्दी हो गई है दोस्तों, दवाई भी ला तो दवाई चल रहा है दोस्तों, सबका मतलब समझिए कि दवाई पे ही जी रहे हैं। तो दोस्तों ये बाबू को पहले तो इसको धूप थोड़ा देर लगा दे, उसके बाद आप सब चीज मिलते हो, अभी तो डॉक्टर के पास आप दवाई भाई बाबू को लाएंगे दोस्तों थोड़ी देर बाद। उसके बाद दवाई थी ना बाबू, मेरा दूध भी नहीं पी रही है बहुत देर से, बहुत देर हो गया, अभी तक सोई हुई है, कुछ बोल भी नहीं रही है, कुछ चाल चपट भी नहीं कर रही है। तो हम लोग अब जा रहे हैं, अब समय हो गया पाँच से ज़्यादा हो गया ना, साढ़े पाँच हो गया दोस्तों, अब लेके जा रहे हैं बाबू को लेकर के। देखिए अभी तलक सोई हुई दोस्तों, क्या हो गया पता ही नहीं, जागने का नाम ही नहीं ले रही, मेन बात रो ही नहीं रही, जाग भी रही है थोड़ा बहुत, अभी तो थोड़ा देर पहले खाली थोड़ा सा दूध पी और उसके बाद जाके मतलब रो ही नहीं रही है। एक होता जोर जोर से जैसे पहले रोती थी रात भर, दिन में भी कभी कभी रोती थी, आज रो ही नहीं रही, एकदम से सोई एकदम सुस्त पड़ी। अभी देखते हैं दोस्तों डॉक्टर के पास जाएंगे और हम उनसे पूछेंगे अभी कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें बता दीजिए, हो सकता है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास दिखाएंगे दोस्तों। उनसे पहले पूछते हैं कि रो क्यों नहीं रहे दोस्तों, एक रीजन सबसे पहले बच्चा जब अच्छे से बोलेगा नहीं तो समझ सकते आप लोग कि कितना नुकसानदायक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम डॉक्टर के पास दोस्तों अभी, क्योंकि 6 बजे हमें बुलाए थे तो 5:30 हो गया और हम लोग पैदल जाएंगे दोस्तों गाड़ी से, नहीं हवा लगेगा ना बाबू को इसीलिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, हम सब आ गए डॉक्टर के पास से, डॉक्टर जी नहीं देखे और बोले कि मतलब थोड़ा सा आलो लगा के देखें दोस्तों, तो मतलब इसका तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है दोस्तों, और बोले कि लेके जाइए बिहार। तो अभी हम जस्ट रात को ही निकलने वाले हैं बिहार दोस्तों, अभी किसी को मतलब एक आदमी और इनके मतलब चाचा जी आ रहे हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग को उतना पता नहीं है ना वहाँ दोस्तों, उनको पता है तो इसलिए हम आ रहे हैं दोस्तों, है ना। चुप रहो ना रे, तुम ही हार जाएगा तो फिर हम भी हार जाएंगे। हाँ देखिए दोस्तों मेरे बाबू को देखिए, ये देखिए मतलब यहाँ पे है ना दोस्तों, यहाँ पे शीश मतलब इसमें जमा हुआ है, मतलब खखार मतलब जो बोलता है ना बलगम सा, वो जम गया है, आवाज नहीं निकाल पा रही बढ़िया से, नाक थोड़ा साफ है दोस्तों लेकिन ये जमा हुआ है। सुबह से एक टाइम रोई नहीं है बाबू, एक टाइम भी नहीं। अच्छा सब होगा, अभी चल रहे है ना बिहार, वहाँ सब चीज का मसलन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बाबू। देखो तुम भी रोएगा तो फिर वो भी रोएगा, चुप रहो दोस्तों। अब अगले वीडियो में मिलते हैं ना।